की राजधानी रांची में सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की टीमों ने 9 जगह छापा मारा है। ईडी को अब तक 28 करोड़ से ज्यादा कैश मिला है। तो ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पर्सनल सेक्रेटरी संजीव लाल के नौकर जहांगीर, पीएस के करीबी ठेकेदार मुन्ना सिंह, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के इंजीनियर विकास कुमार और कुलदीप मींज के घर रेड डाली गई। इसके अलावा 3 और ठिकानों पर छापा मारा गया। पीएस संजीव के नौकर जहांगीर के घर पर 25 करोड़ और करीबी मुन्ना के यहाँ 3 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला है। ईडी की टीम ने नोट गिनने की मशीनें और कैश वैन बुलाई है। ओडिशा के नंबरकपू में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज पड़ोसी राज्य झारखंड में रोटों के पहाड़ मिल रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि चोरी की अमाल पकड़ रहा है मोदी वहां। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं उनकी चोरी बंद कर दूं तो उनकी कमाई बंद कर दूं तो उनकी लूट बंद कर दूं तो क्या वे मोदी को गाली देंगे या नहीं? लेकिन मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं? मुझे आपके हक का पैसा बचाना चाहिए कि नहीं?